अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त खैर व आफियत के साथ होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप लोगों के साथ तहरीके लबैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के हवाले से अपडेट शेयर करने जा रहा हूं कि आज क्या होगा और कल रात क्या हो रहा था, रात के वक्त क्या घटिया हरकत की गई है, वो भी इस वीडियो के अंदर मुकम्मल सबूत दिखाऊंगा आप लोगों को। आपसे दरख्वास्त है कि इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी अपडेट आए मार्च के हवाले से वो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अमीर मोहतरम तहरीक लबैक पाकिस्तान अलामा साद हुसैनी साहब ने रात के बयान के अंदर, जो जहलम के अंदर बयान किया गया, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि हम आपको जो है ना 12 बजे तक का टाइम देते हैं, यानी कि डेडलाइन देते हैं कि आप संभल जाएं, हमारा मार्च 12 बजे ही निकलेगा। इस हवाले से उन्होंने हुकूमत को वाज़े पैगाम दिया है और पुलिस वालों के हवाले से भी उनका कहना था कि पुलिस वाले हमारे बच्चे हैं, जो है ना आप जो है ना ऐसा ना करें। ये तो आम सी बात है, ये खंदकें खोदना ये कोई बड़ी बात नहीं, ये पहले भी होते रहे, इससे कुछ हट कर करें ना आप, आपकी जो है ना आप जो कर सकते हैं कर लें, लेकिन हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद का अंदर जो है ना आपको पहुंच कर दिखाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि लबैक वाले किस तरह मैदान लगाते हैं और किस तरह अपने मुतालबात मनवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अगले टॉपिक की जानिब आते हैं कि अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अलामा साद हुसैनी साहब के बयान के बाद बात करते हैं कि जो रात के वक्त जो कुछ हो रहा था, वीडियो क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप वो वीडियो देखिएगा और आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि रात के वक्त इतनी घटिया हरकत आखिर क्यों की जा रही है और मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की जानिब से कि किस तरह से। एक तो पहले वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि पुलिस वाले सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद थे, उनको तहरीक लबैक पाकिस्तान की कारकुनान ने क़यादत ने उनको जो है ना घेरे में लिया और उनको बेनकाब किया, जो सिविल कपड़ों के अंदर पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे शरपसंद अनासर, उन्होंने डंडे सोटे भी उठाए हुए थे ताकि कोई तोड़ फोड़ करें और इसका इल्ज़ाम तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर ही आए। आइए आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ी घटिया हरकत की गई है। तो कमेंट सेक्शन में भी आपने अपनी राय का इजहार लाजमी से करना है। इतनी सड़ी हुई है, गली हुई है, आग लगी हुई है, पीछे दे कख भी नहीं है, ये कितने लैके जा रहे हैं आगे? यदि वीडियो इसलिए बना लिया के बाद जो इन्होंने गड्डिया साड़िया का इल्जाम लौड़ा है ताकि पता लग जाए गड्डिया आप ही ले फिर है, कोई ए ली फिर है, ए फिर है, पुरानिया जी टुटिया फुटिया सड़ी गड्डी बिल्कुल कख नहीं पल्ले, ये बाद इन्होंने तहरीक पा देनी है।